हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रचनाएं क्लास सेवेंथ में और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नई दिन में है। आज हम सीखेंगे दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना कि जब हमें कोई कोण किसी भी नाप का दिया हुआ होता है हम उसके बराबर कोण किस तरह से बना सकते हैं पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी पेंसिल की प्रकार की सहायता से किस प्रकार से उसके बराबर कोण बना सकते हैं। एक तरह से हम कोण किस तरह से बनाते हैं, जब शुरुआत में हम कोण बनाना सीखते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है या 70 डिग्री का कोण बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चांदे की सहायता लेते हैं। चांदा हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, हमने देखा है किस तरह के शेप का होता है और इसमें क्या है, यहाँ ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 0 डिग्री का होता है, ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है और इनके बीच में 0 से लेकर 90 तक के एंगल होते हैं। जैसे अगर हम दिखाएं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 10 10 के अगर मैं चिन्ह मान लूं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और मुझे चांदे की सहायता से अगर 70 डिग्री का कोण खींचना है, एंगल बनाना है, तो क्या करते हैं, हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं अपनी पटरी की सहायता से, उस पर हम चांदा रखते हैं, सीधी रेखा खींच लेते हैं, ये चांदा होता है हमारा, इस पर क्या है कि जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना होता है हम इस पर चांदा रखते हैं। चांदे को इस तरह से रखते हैं कि इसमें चांदे में एक लाइन खींची हुई होती है, इसे देख लेते हैं, इसमें इस तरह से लाइंस होती हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये जो लाइन जाती है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम जिस बिंदु पर हमें कोण बनाना है हम उस बिंदु पर इसे इस तरह से रखते हैं कि ये जो कटान बिंदु है इन दोनों लाइंस का वो उस बिंदु पर ठीक ठीक उस बिंदु पर आना चाहिए। ये हम इस तरह से चांदे को रखते हैं, इस बिंदु पर हमें कोण बनाना है 70 डिग्री का, ये वहां से दूर से नहीं दिखेगा लेकिन इसमें 70 डिग्री लगभग यहाँ है, जहाँ ये 70 डिग्री को दिखाता है वहां हम निशान लगा देते हैं और फिर इसे हम स्केल की सहायता से इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। तो ये जो एंगल आता है हमारा ये कितने डिग्री का हो जाता है, 70 डिग्री का एंगल हो जाता है। इस तरह से तो एंगल खींचते हैं हम चांदे की हेल्प से। अब क्या है, हमें इसी कोण को हम ले लेते हैं कि एक दिया हुआ कोण है, दिया हुआ कोण है वो 70 डिग्री 80 डिग्री कितने भी डिग्री का हो सकता है, उसका मान कितना भी हो सकता है, उसकी नाप कितनी भी हो सकती है, उसके बराबर हमें कोण बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है, प्रकार और पेंसिल की हेल्प से कोण बनाना है, पटरी प्रकार की हेल्प से कोण बनाना है, यही आज की हमारी निर्णय है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे, अब क्या है कि हमने मान लिया कि ये कोण जो है हमारा सी ए बी हमें दिया हुआ कोण है, अब इस कोण के बराबर हमें कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए जो हमें रचना करनी है, हमारी रचना का पहला स्टेप क्या होगा कि हम एक सरल रेखा खींचेंगे। जब हम रचना लिखते हैं तो रचना के क्या होते हैं, चरण होते हैं, जब रचना लिखी जाती है तो उसमें चरण लिखे जाते हैं कि पहला चरण क्या होगा, चरण नंबर एक होगा हमारा कि हमने पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींची, रेखा का नाम दे दिया हमने एम एन, हमने पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींची जिस पर हमने दो बिंदु लिए एम और एन। अब हमें दूसरी चीज क्या है, बिंदु एम पर, बिंदु ए के बराबर जितना ये कोण बना हुआ है इस कोण के बराबर हमें कोण बनाना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और पेंसिल लगा के कुछ इस तरह से हमें काम करना है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि हम प्रकार में हमने पेंसिल लगा ली और इसे क्या करेंगे, ये हमने मान लिया कि ये हमारी प्रकार है, ये प्रकार की नोक और ये उसमें लगी हुई पेंसिल है। तो अब हमें क्या करना है, ये कोण हमारा दिया हुआ कोण है, इसकी नाप हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितने डिग्री है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक अपनी इधर रखेंगे और कोई भी दूरी भर के, प्रकार में कोई भी दूरी भर के उसमें एक चाप लगाएंगे, क्या कर देंगे, एक चाप लगा देंगे। इस दूरी को अब हम बदलेंगे नहीं, जितनी दूरी से चाप हमने उधर लगाया है उतनी ही दूरी
एक चार यहाँ लगा देंगे, इसे घटाना बढ़ाना नहीं है। अब दूसरा, रचना का चरण एक था कि हमने रेखा MN खींची। रचना का चरण नंबर दो क्या है कि हमने प्रकार में एक दूरी भरी है, हमने बिंदु A को केंद्र मानकर या बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के एक चाप खींचा और इस चाप ने इस बिंदु को, इसे नाम दे सकते हैं CDE, इस जिसने रेखा AB को बिंदु E पर काटा और AC को बिंदु D पर काटा, ये रचना का चरण नंबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, स्टेप नंबर टू हो जाएगा। इसी तरह से रेखा हमने M को केंद्र मानकर M पर अपनी प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया जिसने रेखा MN को बिंदु P पर काटा, बिंदु P पर काट दिया। अब हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब हम बिंदु E पर क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और जो ये दूरी है, ये जो दूरी है इसे हम प्रकार में भरेंगे, इसे हम प्रकार में भरेंगे, नापेंगे प्रकार से कि ये कितनी दूरी है, ये दूरी हम प्रकार में भरेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे या सिर्फ हम ये यहाँ से दूरी भर लेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये दूरी कितनी है, और इस दूरी को बिना बदले, इस दूरी को बिना बदले बिंदु P पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस पर एक चाप लगा देंगे और जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे इसे हम नाम दे देंगे क्यू। क्यू नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम आप इसे हम दे सकते हैं। अब जो ये कटान बिंदु है क्यू, इस कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, बिंदु एम से मिला देंगे, इस बिंदु क्यू को हम बिंदु एम से मिला देंगे स्केल की हेल्प से। अब जब इसे हम स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, इसे आगे बढ़ा लेते हैं, अब हमारा कोण बन गया इसे PQR, इसे हमने नाम दे दिया R, आगे रेखा जो बढ़ाई है इसे MR, इस रेखा को नाम दे दिया। अब जो हमारा कोण बना RMN, वो कोण हमारा बराबर हो जाएगा कोण CAB के। इस तरह से रचना का स्टेप नंबर थ्री, हमारा चरण नंबर तीन क्या हो जाएगा कि हमने बिंदु E पर प्रकार की नोक रख के बिंदु E और D के बीच की दूरी प्रकार में भरी, उस दूरी को बिना बदले बिंदु P पर प्रकार रख के पहले वाले कोण पर एक चाप लगाया जिस चाप ने पहले वाले चाप को बिंदु Q पर काटा, ये हमारा चरण नंबर तीन हो गया। और रचना का चरण चार क्या हो जाएगा कि बिंदु M को बिंदु Q से मिलाया तथा रेखा को आगे बढ़ाया, इस तरह से हमें रेखा RM प्राप्त हुई। अब जो कोण बना, ये वाला जो एंगल है, ये जो कोण है वो हमारा कितना होगा, इस कोण के बराबर होगा, यानी कि शॉर्ट में कहें तो हमारा कोण M बराबर हो जाएगा कोण A के। ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, RMN बराबर हो जाएगा हमारा कोण CAB के। इस तरह से जब एक कोण हमें दिया हुआ होता है उसके बराबर कोण की हमें, उसकी बराबर नाप का कोण हमें बनाना होता है प्रकार और पटरी की हेल्प से, तो हम इस तरह से उस कोण का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट निर्मेय पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।